गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। आपको पता ना हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हिंदी में हम स्वर पढ़ रहे हैं ना। कौन से स्वर पढ़ रहे हैं हम? अ अनार का से आहा तक स्वर पढ़े हैं ना। हो गए ना हमारे पूरे स्वर? तो चलो आज हम पूरे स्वर एक साथ पढ़ेंगे। ओके, टुडे इज डेट 25/8/2021। टुडे इज ए वेडनेसडे। क्लास केजी वन, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? स्वर। स्वर कौन से पढ़ रहे हैं? अनार का से आहा तक हमारे पूरे स्वर पढ़ के हो गए हैं। ओके बच्चों, तो ये देखो बच्चों, ये है आपकी टू लाइंस की कॉपी। आपको पता है ना, टू लाइंस की कॉपी में स्वर लिखने हैं, हिंदी का होमवर्क करना है। तो चलो ये है, ऐसे आपको सेटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6, आपको 6 लाइंस ड्रॉ करनी है। और देखो ऐसे ही आप इसमें आपको सेटिंग करना है। पहले ओ अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, रुशी का, ये पहले इसमें लिखना है। फिर इसमें आप इसमें एडी का, एनक का, ओधी का, औरत और औषध का, औषधि का, और औरत का, आपको पता है ना, अंगूर का। और आपका यहाँ पे टू टाइम्स आएगा। ओके बेटा, यहाँ पे टू टाइम्स आएगा। ओके बच्चों, तो चलो अभी मेरे साथ राइटिंग करोगे ना? चलो अभी मेरे साथ राइटिंग करो। क्या राइटिंग करना बच्चों? अ अनार का। तो देखो यहाँ पे आपको टू लाइंस में प्रॉपर अ अनार का राइटिंग करना है। देखो एंटीकर, सेकंड एंटीकर, बीच में से छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? क्या है ये? कौन सा स्वर है ये? अ अनार का। तो चलो अभी फिर से मैं आपको अनार का लिख के दिखाती हूँ। आपको भी ऐसे ही लिखना है बच्चों। कैसे लिखते हैं? एंटीकर, सेकंड एंटीकर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? क्या है ये? कौन सा स्वर है? अ अनार का। तो चलो अभी आम का राइटिंग करेंगे। एंटीकर, सेकंड एंटीकर, स्लीपिंग लाइन, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन और ये सेकंड स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? आम का। आम का में दो स्टैंडिंग लाइन होती है। ओके, तो चलो अभी फिर से मैं आपको आम का लिख के दिखाती हूँ। कैसे लिखेंगे आम का? एंटीकर, सेकंड एंटीकर, बीच में से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट और ये सेकंड स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? आम का। आम का के बाद क्या आता है? इमली का ना। तो चलो अभी इमली का राइटिंग करेंगे। कि इमली का कैसे राइटिंग करेंगे? स्टैंडिंग लाइन कर, एंटी कर और ये स्लैंडिंग लाइन लेके लेना है और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? ई इमली का। तो चलो अभी मैं फिर से आपको ई इमली का लिख के दिखाती हूँ। कैसे लिखते हैं? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन कर, एंटी कर और ये स्लैंडिंग लाइन नीचे तक लेके जानी है और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? ई इमली का। ई इमली का के बाद क्या आता है बच्चों, बताओ? ईख का आता है ना। तो चलो ईख का राइटिंग करेंगे। ईख का कैसे राइटिंग करते हैं? स्टैंडिंग लाइन कर, एंटी कर और ये स्टैंडिंग लाइन से नीचे तक ले जानी और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? ऊपर में कर। ईख का में ऊपर कर होता है ना, तो ईख का। ईख का के बाद क्या आता है? ईख का फिर से एक बार राइटिंग करेंगे। ओके, कैसे राइटिंग करते हैं? स्टैंडिंग लाइन कर, ये एंटी कर और ये स्टैंडिंग लाइन से नीचे ले जाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन और ऊपर में कर। क्या बन गया बच्चों? ईख का। ईख का के बाद क्या आता है? उल्लू का। वो उल्लू का कैसे लिखते बच्चों? एंटी कर, सेकंड एंटी कर और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? उल्लू का। उल्लू का चलो फिर से राइटिंग करो मेरे साथ। कैसे राइटिंग करते हैं? एंटी कर, सेकंड एंटी कर और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? उल्लू का। उल्लू का के बाद क्या आता है? ऊन का। ऊन का कैसे राइटिंग करते बच्चों? एंटी कर, सेकंड एंटी कर और ये बीच में से कर ये सेकंड लाइन तक ले जाना और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? ऊन का। ऊन का देखो अभी मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखाती हूँ। ऊन का, एंटी कर, सेकंड एंटी कर और ये बीच में से कर वैसे सेकंड लाइन तक ले जाना है और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? ऊन का। ऊन का के बाद क्या लिखना है आपको? रुरुषि का। रुरुषि का कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, ये एक स्लैंडिंग लाइन फर्स्ट लाइन तक लेके जानी है, सेकंड स्लैंडिंग लाइन नीचे सेकंड लाइन तक ले जानी है और ये स्लैंडिंग लाइन करके यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे बड़ा कर देना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों? रुरुषि का। रुरुषि का चलो अभी फिर से मैं आपको लिख के दिखा।
स्लैंडिंग लाइन लेना है, नेक्स्ट स्लैंडिंग लाइन आपको फर्स्ट लाइन की तरफ ले जानी है, सेकंड स्लैंडिंग लाइन आपको सेकंड लाइन की तरफ ले जानी है नीचे, और ये स्लैंडिंग लाइन लेके यहाँ पे एक कर्व देना है और यहाँ पे बड़ा कर्व देना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया बच्चों बताओ, ये बन गया रू ऋषि का। तो चलो रू ऋषि का के बाद हम क्या करेंगे, हाफ सेटिंग में एडी का लिखेंगे। ओके तो चलो एडी का कैसे राइटिंग करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन और एक छोटी स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, एडी का। चलो मैं आपको फिर से राइटिंग करके दिखाती हूँ, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, एडी का। एडी का के बाद क्या आता है, एनक का आता है ना, तो चलो एनक का राइटिंग करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन और सेकंड स्टैंडिंग लाइन, ऊपर में स्लीपिंग लाइन और ये ऊपर स्लैंडिंग लाइन देते हैं, एनक का आपको स्लैंडिंग लाइन देते है ना। तो चलो अभी फिर से लिख के दिखाती हूँ मैं आपको एनक का, एनक का कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में स्लैंडिंग लाइन देखिए, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन देना है, स्लीपिंग लाइन देना बच्चों। ओके हर एक स्वर में आपको स्लीपिंग लाइन ऊपर देनी ही है। ये क्या बन गया, एनका के बाद क्या आता है बच्चों, ओ ओखली का आता है ना, तो ओ ओखली का कैसे राइटिंग करते हैं, एंटीकर, सेकेंड एंटीकर, स्लीपिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन देना बच्चों, दो स्टैंडिंग लाइन देना और ऊपर एक स्लैंडिंग लाइन देना और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन हर स्वर के ऊपर देना बच्चों। ओके ये क्या बन गया, ओ ओखली का, ओ ओखली का। चलो अभी मैं फिर से आपको लिख के दिखाती हूँ, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, ये स्लीपिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन देना बच्चों और एक स्लैंडिंग लाइन देना और ऊपर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, ओ ओखली का। ओ ओखली का के बाद क्या आता है बच्चों, औरत का आता है ना, तो चलो औरत का राइटिंग करेंगे, कैसे राइटिंग करते हैं, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, ये स्लीपिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन देना बच्चों और टू स्टैंडिंग लाइन देना ऊपर। ओके और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, औरत का। तो चलो अभी मैं फिर से आपको औरत का लिख के दिखाती हूँ, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन देना बच्चों और ऊपर टू स्टैंडिंग लाइन देना। ओके और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, औरत का। औरत का के बाद क्या आता है बच्चों, हम अंगूर का आता है ना, तो चलो यहाँ पे हम अंगूर का राइटिंग करेंगे, कैसे राइटिंग करते हैं, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, स्लीपिंग लाइन छोटी सी, एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर में डॉट देना है और स्लीपिंग लाइन देना है। क्या बन गया बच्चों, अंग अंगूर का। अंग अंगूर का बन गया ना, तो चलो अभी फिर से अंग अंग अंगूर का राइटिंग करेंगे, कैसे राइटिंग करते बच्चों, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में एक डॉट देना है बच्चों और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, अंग अंगूर का। अंग अंगूर का के बाद दो, अंग अंगूर का के बाद क्या आता है, आहा आता है ना, तो चलो अभी आहा आपको राइटिंग करना, देखो यहाँ पे आहा टू टाइम्स आया है, आपकी भी कॉपी में आहा आपको टू टाइम्स आएगा। ओके तो चलो अभी आहा की राइटिंग करेंगे, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देना और स्टैंडिंग लाइन के बाजू में दो डॉट्स देना बच्चों, टू डॉट्स देना। ओके और वहां पे स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, आहा। तो चलो अभी मैं फिर से आपको आहा राइटिंग करके दिखाती हूँ, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बाद में दो डॉट्स देना बच्चों, टू डॉट्स देना स्टैंडिंग लाइन के बाद ऊपर में स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया बच्चों, आहा। तो चलो फिर से हम आहा की राइटिंग करेंगे ना, आपको टू टाइम्स राइटिंग करना है ना, तो चलो फिर से आहा की राइटिंग करेंगे, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन के बाद भी क्या देंगे बच्चों, टू डॉट्स देते ना, तो स्टैंडिंग लाइन के बाद टू डॉट्स देना और ऊपर में स्लीपिंग लाइन करना है। ओके क्या बन गया बच्चों, आहा। तो चलो अभी मैं फिर से आपको आहा की राइटिंग करके दिखाती हूँ, एंटीकर, सेकंड एंटीकर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के बाजू में दो डॉट्स देना बच्चों, क्या है ये, आहा आहा है ना। तो चलो अभी देखो आपको ऐसे ही प्रॉपरली राइटिंग करना है। अभी चलो मैं आप रीडिंग करेंगे ना, आपको भी मेरे साथ रीडिंग करना है, मैं आपको रीडिंग करके दिखाती हूँ क्या है, क्या है बच्चों, अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, ऊ उल्लू का, ऊ ऊन का, रू ऋषि का। रू ऋषि का के बाद क्या आता है बच्चों, ए एढ़ी का, ए एनक का, ओ ओखली का, अ औषधि का, अंग अंगूर का, आहा आपको टू टाइम्स आता है ना, आहा यहाँ पे एक बार और आहा बाजू में टू टाइम्स आएगा। ओके तो देखो बच्चों आपको प्रॉपर ऐसे ही राइटिंग करना है, ऐसे ही आपको सेटिंग करना है, वन टू थ्री
आपको ड्रॉ करनी है और हाफ पेज में सेटिंग करना है, ओके, से आ तक की। ओके बच्चों, ये देखो बच्चों, ये है आपकी होमवर्क कॉपी और क्लास वर्क कॉपी। आपको पता है ना इसमें सेटिंग करना है। देखो यहाँ पे आपको होमवर्क क्लास वर्क की सेटिंग करना है स्वर, और यहाँ पे आज की डेट डालनी है। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लेंस आपको ड्रॉ करनी है। ओके बच्चों, प्रॉपर 6 लेंस ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखना अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई का, उ उल्लू का, ऊन का, रू ऋषि का। और फिर देखो बच्चों, हाफ सेटिंग में एडी का, एनक का, ओ ओखली का, औरत का, अंगूर का, और हाँ आपका टू टाइम्स आएगा, है ना बच्चों। ऐसे ही आपको प्रॉपर सेटिंग करनी है, रेड पेन से ही सेटिंग करना बच्चों। ओके, और प्रॉपरली लिखना, पहले अनार का लिखना, वैसे ही पूरा ऊपर का कंप्लीट करना, फिर नीचे का भी वैसे ही पूरा नीट एंड क्लीन राइटिंग करना बच्चों। टू लाइन्स में प्रॉपर राइटिंग करना। ओके, ये देखो बच्चों, ये आपको यहाँ पे होमवर्क की भी सेटिंग करना है। वैसे यहाँ पे स्वर लिखना, यहाँ पे डेट लिखना, और ये 1 2 3 4 5 6 लेंस आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पे अनार का, आम का, ई इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, रू ऋषि का लिखना है। और यहाँ पे हाफिस में एढ़ी का, एनक का, ओखली का, औरत का, अंगूर का, और आहा आपका टू टाइम्स लिखना है। ओके बच्चों, ऐसे प्रॉपरली सेटिंग करना, रेड पेन से ही सेटिंग करना, और पूरी कॉपी अच्छे से कम्प्लीट करना। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आपको वैसे ही राइटिंग करना, होमवर्क की भी राइटिंग अच्छे से करना। ओके बच्चों, क्लास वर्क की भी सेटिंग अच्छे से करना, होमवर्क की भी सेटिंग अच्छे से करना, और अच्छे से राइटिंग करना, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना बच्चों। टू लाइंस में ही राइटिंग करते, आपको पता है ना टू लाइंस में राइटिंग करते, टू लाइंस के बाहर नहीं निकालना बच्चों स्वर। ओके, जैसे मैम ने प्रॉपर टू लाइंस में राइटिंग कराई है वैसे ही आपको भी टू लाइंस में राइटिंग करना है। नीट एंड क्लीन वर्क करना बच्चों, गंदा वर्क नहीं करना। मैम फिर आपको रिव्यूज नहीं देंगे ना, गुड वेरी गुड सब कुछ चाहिए ना आपकी कॉपी में, तो नीट एंड क्लीन राइटिंग करना बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय।